एक श्रद्धालु का एक संदेश आया है, मैसेज आया। उसने गायत्री उपासना के विषय में स्वामी मध्वाचार्य जी का एक अनुभव उसने लिखकर भेजा। उसने कहा कि ये माधव निदान नामक ग्रंथ में है, लेकिन माधव निदान नामक जो ग्रंथ है वो स्वामी मध्वाचार्य जी के द्वारा लिखित नहीं है, वो कोई एक वैद्य थे माधव कर। कई श्रद्धालुओं को ये सब विषयों का जानकारी होती नहीं है, परंतु कुछ लोग किसी भी विषय को सुन लेते हैं, फिर वो दूसरे को सुना देता है, तो कुछ अपना जोड़ देता है, कुछ घटा देता है और एक विषय सामने आता है ऐसा। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि 13 बार उन्होंने मध्वाचार्य जी ने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया था और उन्हें अनुभूति नहीं हुई। तब फिर उन्होंने किसी एक वाराणसी में आकर किसी भैरव उपासक तांत्रिक के माध्यम से भैरव साधना की थी, और जब भैरव साधना उन्होंने की तो उसमें उनको उस देवता के दर्शन नहीं हुए और उनको आवाज़ आई कि तुम क्या चाहते हो, वरदान मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए ताकि मैं आपके सामने प्रकट नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं काल भैरव हूँ, ऐसा उसमें मैसेज में लिखा था। बोले तो मेरे सामने क्यों नहीं आ सकते, तो बोले तुमने गायत्री मंत्र की साधना की है इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकता। तो ये सारे विषय जब उसने मैसेज मुझे लिख कर भेजा तब मैंने उनको थोड़ा सा समझाया कि सर्वप्रथम मध्वाचार्य जी ने माधव निदान नाम का कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। माधव निदान एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसको किसी वैद्य माधवकर नामक किसी वैद्य ने लिखा। दूसरी बात, उन्होंने जो मैसेज में गलत ये लिखी कि जो उन्होंने साधना की थी मध्वाचार्य जी ने 13 अनुष्ठान गायत्री मंत्र के किए थे, ये मध्वाचार्य जी का अनुभव नहीं है। एक सन्यासी रहे स्वामी केशवानंद जी, उनका एक अनुभव, इस प्रकार का अनुभव आ चुका है। फिर भी उन्होंने कहा कि मध्वाचार्य जी का है, तो उनके अपने एक हो सकता है जहां भी उन्होंने पढ़ा हो। तो ऐसा एक वर्णन कहीं पर भी पढ़ने को आता है कि किसी सन्यासी ने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया, उनकी जब साधना पूर्ण नहीं हुई तो वो फिर तामसिक साधना की, उन्होंने भैरव उपासना की। कुछ लोग कहते हैं उसमें कई मैसेज पढ़ा कि उन्होंने प्रेत उपासना की थी। तो इस सज्जन ने जो एक मैसेज भेजा उसमें काल भैरव देवता का वर्णन किया कि मैं काल देवता हूँ, काल भैरव हूँ और मैं गायत्री साधक के समक्ष नहीं आ सकता। तो इससे एक संदेश ये जाता है कि काल भैरव जी जो है एक तामसी देवता है और गायत्री मंत्र साधना साथ परम सात्विक उपासना है, तो उनके सामने ये काल भैरव जी प्रकट नहीं हो सकते। तो मैं इसलिए ये विषय आज आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या काल भैरव जी वास्तव में कोई तामसी देवता है और कोई अच्छे जो सात्विक उपासक है क्या उनके सामने वो प्रकट नहीं हो सकते हैं। ऐसा हम लोग जो है एक संदेश, क्योंकि वो संदेश ऐसा था, ऐसा बना दिया गया था कि किसी को भी पढ़ने के बाद एक बार में जो सामान्य रूप से अध्यात्म के विषय में अधिक जानता न हो तो ये दिखने के तो लगेगा कि हाँ एक अच्छा संदेश वो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अज्ञानता का जो पुट है उसमें दिखाई देता है। जैसा उसमें उन्होंने माधव निदान के बारे में कहा कि माधव निदान उन्होंने लिखा है मध्वाचार्य जी का नाम। अब आते हैं हम लोग काल भैरव जी के ऊपर। तो पहले तो वो जो देवता जो प्रकट हुए थे वो काल भैरव जी नहीं थे, जहाँ तक हमने पढ़ा है कि वो एक कोई प्रेत की उन्होंने साधना की थी और प्रेत के माध्यम से उनको पता चला था। कई पर भी आता है कि वो भैरव जी रहे, तो भैरव में भी जो उन्होंने तामसिक प्रकृति के जो भैरव होते थे, 52 भैरव उसमें से स्मशान भैरव आदि जो ऐसे तामसी भैरव होते हैं जिनकी उपासना की जाए तमस प्रकृति के किए जाते हैं वो ही हो सकते हैं। अब काल भैरव जी कौन है आप देखिए, काल भैरव अष्टक की रचना किसने की। काल भैरव जी कोई साधारण अगर तामसी कोई देवता होते तो शंकराचार्य जी काल भैरव अष्टक की रचना करते। अब आप देखिए काल भैरव अष्टक में लिखा है कि भगवत उसमें काल भैरव अष्टक जब शंकराचार्य जैसे सात्विक और परम अवस्था को प्राप्त हुए, ऐसे महापुरुष उसकी उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। देव राज सेव्य मान पान वांगरी पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपा करम
नारद आदि योगी वृंद वंदितम दिगंबर काशी का पुरादिनाथ काल भैरव भजे, मैं भजन करता हूँ, इतना परम साधक व्यक्ति करे मैं भजन करता हूँ। और वहां ये मान लेना कि उनको तामसिक देवता थे, वो प्रकट नहीं हो पाए। नारद आदि योगी वृंद वंदितम दिगंबर, नारद आदि ऋषि भी काल भैरव जी की उपासना करते थे, अर्थात ये सृष्टि के आदि काल से ही नारद आदि जो सात्विक है परम वैष्णव है। और ये बात कौन कह रहे हैं? स्वयं शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि देवर्षि नारद आदि योगी भी उनकी आराधना करते हैं, उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और मैं भी काशी का पुरादिनाथ काल भैरव का भजन करता हूं, स्वयं कह रहे हैं। तो नारद जी जैसे परम वैष्णव परम सात्विक जो योगी सिद्ध योगी महा और ब्रह्मर्षि महर्षि आदि जो श्रेणी को प्राप्त जो योगी है वो भी काल भैरव जी की आराधना करते हैं, तो आप निश्चित समझ सकते हैं कि उनको क्या हम साधारण तामसी देवता की श्रेणी में ला सकते हैं क्या? ऐसा सोचना मूर्खता हो। और आपको बता दें कि काल जो ब्रह्म सूत्र पर जो भाषण जब उसमें भाष्य लिखने के पहले उनकी परीक्षा भी ली गई है शंकराचार्य जी की, स्वयं काल भैरव जी ने ली। तो काल भैरव जी को एक केवल तामसी देवता मान लेना, फिर उनको शराब चढ़ा देना और शराब की पूजन कर देना, शराब आदि चढ़ाकर बस उससे की बस हो गया भैरव। कई लोगों को ये धारणा बनती रहती है कि जो भैरव जी के उपासक है तो वो तामसी जो है पूजन करते, जैसे कि हम उज्जैन में है तो शराब चढ़ा दो बस हो गया, भैरव जी माने शराब चढ़ा देना, उनको जो है कलेजी चढ़ा दो, बकरे की बलि दे दो, तामसी देवता मान लिया। तो ये सारी मूर्खताएं हैं। ठीक है, भैरव जी के जो अनेक स्वरूप है उसमें 52 भैरव माने जाते हैं, उसमें भी तामसी भैरव भी ऐसे हार भैरव भी होते हैं, महारणपुर में भी कई किए जाते हैं। शंकराचार्य जी ने जिन कापालिकों के विरुद्ध जिसमें स्वामी एक कापालिक भैरवानंद था उसको जब पराजित किया तो उसने उनके ऊपर मारण प्रयोग किया था, सहार भैरव का प्रयोग किया था। और वो जब भैरव जी उनको मारने के लिए गए तो देखा कि वो तो स्वयं मेरा ही स्वरूप है, तो फिर पलट के फिर उसे कापालिक को मारा। ऐसे संत तुलसीदास जी के ऊपर भी काल भैरव उसमें भैरव जी का प्रयोग किया गया था, परंतु काशी में रहकर वही मुनि देवी शक्तियों ने उनकी रक्षा की थी, काल भैरव जी के शरण में थे श्री हनुमान जी से काल भैरव जी। ये समान कोटि के देवता है, रुद्रावतार है, और नारद आदि ऋषि भी उनके अनेक प्राचीन काल से ऋषि मुनि उनकी आराधना करते आए, उपासना करते आए हैं, और सात्विक ऋषि मुनि सात्विक पद्धति से उनकी आराधना उपासना करते आए हैं। काल भैरव जी मूल रूप से रक्षक देवता का रक्षा कारक देवता है और सात्विक देवता है, सात्विक पद्धति से ही उनकी आराधना उपासना ऋषि मुनि नारद आदि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम इस बात से संसिद्ध होता है। स्वयं शंकराचार्य जी इस बात का अनुमोदन कर रहे हैं अपने काल भैरव अष्टक में, तो आप समझ सकते हैं शोक मोह दैन्य को पताप नाशन। तो ये इस प्रकार के जो अपना नाशक करने वाले किसका? शोक मोह को पताप, मोह का नाश करने वाले, अज्ञानता का नाश करने वाले। तो इसका अर्थ ये है कि वो परम स्वरूप में स्थित है, परमेश्वर है, परमेश्वर है वो। तो ऐसे उनके प्रति जो धारणा है, जो समाज में जो भ्रांतियां है, इनसे समाज को बाहर आना चाहिए। और केवल उनको शराब चढ़ा देना और इस तरह से उनको धारणा बना देना ये सब गलत बात है। हमने अभी काल भैरव अष्टक के विषय में आप कई श्रद्धालुओं को चैनल के माध्यम से बताया है, उसमें जो साधना पद्धति बताई है और जो उपासना पर काल भैरव अष्टक के अनुष्ठान करने को कहा है, कई श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान किया। कई लोगों ने प्रश्न किया गुरु जी काल भैरव अष्टक काल भैरव जी की फोटो घर में रख सकते, भरे क्यों नहीं रख सकते हो, क्या बात है? बोली वो तो तामसिक है भैरव। अरे भैरव का मतलब तुम समझते क्या हो? भैरव का अर्थ होते जो भय से रक्षा करते हैं, भय से रक्षा करते हैं, तुमको जो निर्भय बनाते हैं और रक्षा करने वाले देवता है, तो तुम उनके घर में उनको क्यों नहीं रख सकते हो? धारणा मन में बना ली है, गलत धारणा बना ली, भ्रांति उत्पन्न की गई, तो भ्रांतियों में तुम लोग फंस गए। तामसी स्वरूप में भी हो सकता है, तामसी स्वरूप में भी है, तामसी स्वरूप उनका है, तुम शराब चढ़ाओ उनको तो मान उनको शराब आदि का तामसी स्वरूप का ध्यान करोगे, तामसी कार्य करोगे, तामसी उनको पूजन आदि बलि आदि दोगे तो तामसी कार्य करेंगे। तो साधना पद्धति पर निर्भर होता है। तो साधना जो होती है वो राजसिक तामसिक और सात्विक होती है। मूल रूप से कोई देवता सात्विक राजसिक तामसिक नहीं होता।
मूल रूप से जितने भी ईश्वर कोटि के देवता होते हैं वे गुणातीत होते हैं, परम सात्विक होते हैं। उनकी आराधना आप सात्विक पद्धति से कर सकते हैं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, बालक भी कर सकता है। काल भैरव अष्टका कई साधक श्रद्धालुओं ने उपासना की प्रत्यक्षम के प्रमाण, कई श्रद्धालुओं के अनुभव है कि काल भैरव अष्टक के साधना करने से उनके घर में ही उन्होंने साधना की, लोगों के मन में भय उत्पन्न कर जा रहे, भैरव जी की साधना घर में मत करो, क्या बात है भाई, क्या समस्या है, पूरी काशी को संभाल रहे हैं, घर घर को संभाल रहे, पूरे विश्व को संभाल रहे, वो विश्व के भय को हरण करने वाले हैं। काल का अर्थ होता है, काल का मतलब काले नहीं होते, लोगों को काला समझ लेते हैं, अरे काल का मतलब होता है समय, जो विपरीत काल होता है, बुरा समय होता है, उससे तुम्हारी रक्षा करते हैं, बुरे समय से रक्षा करने वाले काल भैरव कहते हैं। जब आप स्तोत्र पढ़ते तो स्तोत्र की गहराई में चले जाया करो, उसी स्तोत्र में कई प्रकार के रहस्य छुपे होते हैं, कई प्रकार के विधान छुपे होते हैं, कई प्रकार की क्रियाएं उसी में छुपी होती है। बस इसी को तो समझने के लिए आपको आराधना करना पड़ता है, निर्मल मन चाहिए, सूक्ष्मता चाहिए, आपको उसी में से बहुत कुछ मिल जाएगा। अब जैसे देखिए उसमें फल दिया, अशोक मोह लोभ कोपतापनाशनम, अब शोक है, दैन्य है, दुख है, मोह है, कष्ट है, तापमान कष्ट है, वो सबका नाश करने वाले हैं, इसलिए वो काल भैरव, जो काल पर जिनका नियंत्रण है, काल जिनके अधीन है, ऐसे वो काल भैरव। ऐसे धारणाएं मन में, ऐसे गलत धारणाएं मन में नहीं पालना चाहिए, ऐसे काल भैरव जी को लेकर भी धारणाएं गलत नहीं पालना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते, भगवान शंकर जी को तामसिक समझ के उनकी उपासना नहीं करना चाहिए, भगवान कृष्ण की करो, विष्णु जी की करो, ये सारे लोग जो है ना, सब नरकवासी बनते हैं। जब आप किसी भी देवता के विषय में धारणा बनाते हैं तो उसके लिए शास्त्र को दिखा करो, किसी व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों को बातों में नहीं आना चाहिए। तो वहां पर हमने काल भैरव अष्टक आदि में जब स्वयं शंकराचार्य जी उनकी स्तुति कर रहे हैं, अष्टक की रचना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, काल भैरव हम भजे वो स्वयं कह रहे हैं, और ऐसे समय में जब फिर बाकी दूसरा कोई नहीं, वो तो सात्विक नहीं है, वो तो सामने पर प्रकट नहीं हो सकते गायत्री मंत्र के उपासक के आगे, ऐसी मूर्खता को ना धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। वो काल भैरव देवता नहीं थे कि जो प्रकट नहीं उनके सामने, तमस कोई रहे, कोई तमस शक्ति, कोई तमस देवता का स्वरूप रहा होगा, तामसी पद्धति से साधना की होगी, तो भैरव जी का कोई तमस स्वरूप होगा, जैसे कि संहार भैरव, स्मशान भैरव आदि। तो आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। आप चाहो तो काल भैरव जी की आराधना तामसिक साधना पद्धति से हो सकती है, दक्षिण मार्ग से हो सकती है, वाम मार्ग पद्धति से भी कर सकते हो, जो पद्धति से कर सकते हो तो वैसा ही स्वरूप मिलेगा, तुम्हारे सामने आएगा। परंतु मूल रूप से जो शास्त्र में जो हमें प्रमाण दिखता है, जब हमने कई साधकों से, हमने काल भैरव अष्टक अनुभव पर कई साधकों को दिव्य अनुभूतियां हुई, अच्छी अनुभूतियां हुई, परम स्वरूप में उनकी अनुभूतियां हुई। कुछ देवता ऐसे होते हैं जैसे कुछ थोड़ी उग्रता के कारण या उनकी प्रकृति के कारण थोड़ा सा सिगरेट उनके दर्शन हो जाती है, कोई विशेष कार्य कर देते हैं, जैसे हनुमान जी का स्वरूप देख लीजिए, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, वज्रंग बाण पड़ो बस तुरंत ही जो कार्य सिद्ध कर देते हैं, आतुर दौरी महासुख दीजिए, तुरंत महासुख दे देते हैं। तो देवताओं के थोड़ा सा प्रकृति में थोड़ा बहुत भिन्नता हो सकती है, परंतु जो उनका मूल स्वरूप है, मूल तत्व है, वो उसमें कोई भेद नहीं होता है, वो ईश्वर स्वरूप ही है। तो जो शिव है, जो महाकाल है, जो विष्णु है, जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म है, वही फिर काल भैरव। आप उनके बीच में भेद मन में लाकर उनको छोटा बड़ा समझ कर उनकी अवहेलना करोगे, अपमान करोगे, तो ये बड़ा घोर अपराध होगा और उसका अंत, फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। इसीलिए ये सब तामसिक धारणा, तामसिक देवता, ये सब चीजें हैं तो फिर इनकी आराधना नहीं करनी चाहिए, उनका नहीं करना चाहिए। अरे जब संतों में ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने, आचार्यों ने, जो श्रेष्ठ आचार्य हुए शंकराचार्य, उन्होंने जब हमें मार्गदर्शन कर दिया, तो अब प्रश्न चिन्ह उठाने का क्या अर्थ बनता है? वो जो प्रश्न चिन्ह उठा रहा है वो मूर्ख है। जिज्ञासा करो, ठीक है, भ्रांतियां क्यों उत्पन्न करते हो, लोगों को भ्रमित क्यों करते हो? कुछ स्थिति में काल भैरव जी का विशेषता है, जो कि भैरव जी हनुमान जी की साधना में उतनी विशेषता नहीं होती, वहां पर काल भैरव जी की विशेषता हो जाती है कभी कभी, क्योंकि वो तमस स्वरूप में भी जा सकते, अति तमस स्वरूप में भी जा सकते हैं, जहां हनुमान जी नहीं जा सकेंगे, तमस स्वरूप में वहां पहुंच जाएंगे, वो भी पहुंच जाएंगे तमस स्वरूप में।
भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने कितने रूपों का वर्णन किया, कितने कितना स्वरूप उनका दिखा, कितना व्यापक स्वरूप दिखाया। और फिर अंत में यह भी कहा कि मैं ही काल हूं, कृष्ण भी मैं हूं, काल भी मैं हूं। तो वही काल भैरव भी वही है। अगर आप कृष्ण और काल भैरव में भेद मानते हो, उनमें आप छोटा बड़े की धारणा मन में रखते हो, तो फिर आपके पतन का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। फिर न तो आपको कृष्ण बचाने आएंगे न विष्णु बचाने आएंगे, क्योंकि भेद नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भेद किया वो गए। काल भैरव जी की उपासना से भी उतना ही लाभ होता है जितना कि श्री हनुमान जी की उपासना से होता है, और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। ऐसे काल भैरव जी का जब स्वयं शंकराचार्य जी भजन कर रहे, उपासना कर रहे, आराधना कर रहे, तो हमें क्या आपत्ति होना चाहिए? आप क्यों फिर हिचकिचाट रहे हो? आपके मन में हिचकिचाट क्यों है? क्यों भय है? क्यों शंका है? क्यों संकोच है? तो आप इनसे मुक्त होकर आप इस प्रकार की आराधना करिए। तामसिक आदि के चक्कर में मत पड़िए, तामसिक के साथ भी आप उनको किस रूप में पूजना चाहते हो, कैसे पूजना चाहते हो? महाराज हम तो शराब नहीं चढ़ाना चाहते, हम तो बस उनको तो साधारण फल फ्रूट का मिठाई का भोग लगा कर प्रसन्न में बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं। जो जैसे समझ में आए उनके, जैसे जैसे जिस पद्धति से करोगे वो पद्धति से आपके सामने है। नहीं महाराज हम तो शमशान में जाके साधना करें, बोलिए शमशान में जाके करो, बकरी चढ़ा के तो कुछ भी करो, उनकी तुम्हारी मर्जी। तुमको कैसा उनका स्वरूप सामने चाहिए, तुमको कैसे कार्य करवाने हैं वो तुम तय करो। परंतु ये सब करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र प्रमाणित साधना उपासना होनी चाहिए और किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन भी करना चाहिए।